हेलो नमस्कार वृंदावाचार्य में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। अब तो सियासत भी गर्मा गई है। दिग्गज विजय सिंह जी ने सवाल किया है बीजेपी से कि अतिथि शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज क्यों किया जब सुंदरकांड कर रहे थे, और लाइट गुल क्यों की जब वो अपनी शांतिपूर्वक मांगे रखे हुए थे। तो सरकार पर सवाल खड़े किए दिग्विजय सिंह ने, और नियमितीकरण की मांग की है कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करे सरकार, नहीं तो हमारी सरकार अतिथि शिक्षकों के साथ है और उनका नियमितीकरण जरूर करेगी। और बीजेपी प्रवक्ता का क्या कहना, कांग्रेस प्रवक्ता का क्या कहना, वरिष्ठ पत्रकार हैं इनका भी क्या कहना अतिथि शिक्षकों को लेकर, नियमितीकरण होगा कि नहीं होगा, सरकार ने जो किया वो सही है कि गलत है, पूरे डिबेट में दिखाने वाला हूँ, लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा जरूर देखें, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सिंह अपडेट पाने के लिए। क्या कहना बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता और दिग्विजय सिंह का क्या कहना, और शासन का क्या कहना अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा जरूर देखें। अतिथि शिक्षकों पर लाठी चार्ज को लेकर सियासत जारी है, और अब दिग्विजय सिंह पूरे मामले में सवाल खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब अतिथि शिक्षक सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे तब इलाके की बिजली बंद कर दी गई, उन पर लाठियां बरसाई गई। इतना ही नहीं, इससे पहले वहां बैनर्स लगाए गए थे जिसमें उन्हें दंगाई और बलवाई लिखा गया, और इतना ही नहीं गोली मारने की भी बात इसमें लिखी गई थी। आपको बता दें कि ये जो पूरा विषय है, दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाए हैं, और इस पर जो तथ्य उन्होंने, जो बातें उन्होंने कही हैं उसमें ये कहा है कि प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलाई गईं, प्रदर्शनकारियों को, अतिथि शिक्षकों को सुंदरकांड का पाठ भी नहीं करने दिया जा रहा था, बैनर लगाया कि गोली भी मारी जा सकती है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, अतिथि शिक्षकों को लेकर अब जिस तरह से बयान दिग्विजय सिंह ने दिया है, सियासत इस पर और गर्मा सकती है? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, इस मामले को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर है, और जिस तरीके से कल जीतू पटवारी और अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब वह सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे उस वक्त उन पर जो है वो लाठियां बरसाई गई, और इतना ही नहीं वहां पर बैनर लगाए गए थे जिनमें उनको बलवाई तक कहा गया है। ये सीधे तौर पर आरोप पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर पुलिस की तरफ से या सरकार की तरफ से लगातार सफाई सामने आ रही, किसी तरह के कोई लाठीचार्ज जो है वो अतिथि शिक्षकों पर नहीं किया गया, उनसे कोई अभद्रता नहीं की गई है। लेकिन कांग्रेस के नेता लगातार इस बात को सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर उन पर जो शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करने राजधानी भोपाल पहुंचे थे उनके उन पर इस तरह से लाठी चार्ज भी किया गया, और जिस तरीके से जब कल उन पर FIR हुई उसके बाद भी लगातार जिस तरीके से हमने देखा कि अतिथि शिक्षकों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और कहा है कि अगर सरकार ये FIR वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में ये आंदोलन और भी तेज होगा। देखिए दिग्विजय सिंह ने जो पोस्ट किया है उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर से भी सवाल पूछा है, क्योंकि देखिए जिस तरीके अगर मैं बात करूं तो शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये कहा गया था नियमित करने की बात, ये जो अतिथि शिक्षक कह रहे हैं कि नियमित करने की बात कही गई थी, उनका सीधा तौर पर कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान की तरफ से उनको आश्वासन दिया गया था। और आपको याद होगा, शैलेंद्र मैं आपके पास लौटूंगा, राजपाल जी जुड़ गए हमारे साथ बीजेपी से। राजपाल जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। दिग्विजय सिंह शिवराज सिंह चौहान का वादा याद दिला रहे हैं और आरोप ये लगा रहे हैं कि उन्हें तो सुंदरकांड का पाठ नहीं करने दिया गया, प्रदर्शन नहीं करने दिया गया, उन पर लाठी चार्ज किया गया। देखिए दिग्विजय सिंह जी को तो नैतिक अधिकार ही नहीं है इस प्रकार की बात करने का। दिग्विजय सिंह जी खुद मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, सब क्या किया, इन शिक्षकों को शिक्षा कर्मी बना दिया था। 500 रुपए में शिक्षकों से जो है साल भर महीने भर मेहनत करवाते थे, 6000 रुपए में साल भर काम करवाते थे नियमित करके 500 रुपए में। अरे हम तो अतिथि शिक्षक को और तमाम कर्मचारियों को, विशेष करके उन जो दिग्विजय सिंह जी के समय के लगाए हुए शिक्षा कर्मी थे उनको अध्यापक, सहायक अध्यापक और शिक्षक का दर्जा दिलाने का काम किया, उनको रेगुलराइज करने का काम किया, समय के साथ में अतिथि शिक्षकों की भी चिंता करने का काम हमारी सरकार कर रही है। परंतु दिग्विजय सिंह जी जिस प्रकार से राजनीति करने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं उनको ये राजनीति बंद करना चाहिए। राजपाल जी, अगर आपकी सरकार इतना काम कर रही है और इतना प्रयास किया गया तो फिर ये प्रदर्शनकारी कौन लोग हैं जिनके बारे में दिग्विजय सिंह इतनी चिंता जता रहे हैं? हमारे ही है अतिथि शिक्षक है मध्य प्रदेश में, हमारे ही
कर्मचारी है, हमारे ही जो है मानदेय पर काम करने वाले, हमारी सरकार के ही मानदेय पर काम करने वाले अतिथि शिक्षक है। उनकी समस्याएं हैं, उनकी मांगों को, वाजिब मांगों पर सरकार विचार भी कर रही है। बहुत सारे मामले न्यायालय में विचाराधीन है, प्री जुडिस है, सब जुडिस है, तमाम तरह की बातें हैं। उन सब बातों के ऊपर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। पिछले दिनों भी जब अतिथि शिक्षकों ने मुख्यमंत्री जी के यहाँ ज्ञापन देने का काम किया था, तब भी उनको यही बात कहने का काम हुआ था। परंतु अब वो जिस प्रकार से उग्र आंदोलन करने का काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है लॉ एंड ऑर्डर के तहत जो भी कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई होने का काम हुआ है। कभी भी कर्मचारियों को, विशेष करके मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को उग्र प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है कि मध्य प्रदेश की सरकार सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में अतिथि शिक्षकों के मसले को शीघ्र हल करने का काम हमारी सरकार करेगी। जो अतिथि शिक्षकों को की मांग है, उसमें से जो वाजिब मांग है, मानने जैसी मांग है, जो किए जा सकते हैं, वो काम करने का काम होगा। परंतु जिस प्रकार से इन त्योहारों के समय में और लॉ एंड ऑर्डर के समय में जो उग्रता से प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि शांति से भी बातचीत की जा सकती है। राजपाल जी, क्योंकि त्योहार के मौसम में त्योहार है घर में, तो अब हर कोई घर में त्योहार मनाना चाहेगा, प्रदर्शन करते हुए तो कोई नहीं मनाना चाहेगा। लेकिन क्या अब ये माने कि जो ये प्रदर्शनकारी अतिथि शिक्षक हैं, अब ये त्योहार अपने घर जाकर मना सकेंगे, कोई बीच का रास्ता? निश्चित तौर पर इनको अपने घर पे ही मनाना चाहिए और सरकार पे विश्वास रखना चाहिए। सरकार ने, पिछली सरकार हो चाहे आज की वर्तमान सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अतिथि शिक्षकों के साथ में जो भी वादे किए हैं, जो होने जैसी काम है वो सब होंगे। हर चीज में समय लगता है, काम में समय लगता है, समय देना चाहिए। ठीक है, समय अभी लग रहा है तो ये समय कितना और लग सकता है ये भी अहम प्रश्न रहेगा। राजपाल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। भूपेन गुप्ता जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। भूपेन जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। राजपाल जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। दिग्विजय सिंह ने जो बात कही कि उनका ये कहना है कि प्रदर्शनकारियों की बिजली काट दी गई, उन्हें सुंदरकांड का पाठ नहीं करने दिया गया, लाठी चार्ज किया गया, राजपाल जी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी को तो नैतिकता के आधार पर यह हक ही नहीं है कि वो इस बात को उठाएं, क्योंकि वो खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनको जो है भारतीय जनता पार्टी को ये नैतिकता के कारण हक है कि ये घसीट घसीट के बच्चियों को मारे हैं। राखी बांध में आई थी जब मामा को जो है यही बेटियां, क्या किया था उनके साथ, और आज जो है उनके ऊपर लाठियां बरसा के ये नैतिकता का प्रमाण दे रहे हैं। ये इनकी नैतिकता है, शर्म आनी चाहिए जिस बात पर उस पर ये गौरव करते हैं। और जो है सरकार किस मुद्दे पर गिराई थी? इतनी अतिथि शिक्षकों के लिए सड़क पे उतरे थे ना, एक सरकार खरीद ली, एक सरकार को तोड़ डाला, एक जो है चुनी हुई सरकार को नष्ट किया, और आज कह रहे हैं कि उन्हें हक नहीं है। इन्हें हक है, ये सारे पाप करें और इन्हें हक है, ये नैतिक कहलाएंगे। और दूसरा व्यक्ति अगर किसी की आवाज, किसी की जो है बात उठा रहा है, उसको नैतिक अधिकार नहीं है। ये सर्टिफिकेट देने वाले लोग हैं। शर्म आनी चाहिए कि अपनी बहू बेटियों को जो सड़क पर अपने जो है मासूम बच्चों तक को लेकर प्रदर्शन में आती हैं, उनको घसीट घसीट कर मारते हैं, आप बोर्ड लगाते हैं कि गोली मार दी जाएगी उस पर, ये इनकी नैतिकता है। और ये इनको शर्म नहीं आ रही, उस पर गौरव कर रहे हैं, अपनी खुद पीठ ठोक रहे हैं, अपनी आरती और उतरवाने लगवाई है इसी काम में। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता जी।